आपके बाल भी बहुत ही रूखे सूखे बेजान हैं, झाड़ू जैसे दिखते हैं, बालों में कोई भी चमक नहीं है और आपको अचानक से किसी पार्टी में या शादी में जाना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लर जाके अपने बालों पे स्पा लें, तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ घर बैठे ही बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है कि आप अपने बालों पर बिल्कुल पार्लर का इफेक्ट ला सकती हैं, अपने बालों में एक वाव इफेक्ट ला सकती हैं। ऐसा लगेगा कि मानो आपने पार्लर जाके बहुत ही महंगा अपने बालों पे स्पा कराया है, बिल्कुल आपको वैसे ही अपने बालों पे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, वैसे ही आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे अपने बालों पे। घर बैठे ही आप अपने बालों पे स्पा कर पाएंगे, आपके बालों में ग्लास की साइन आएंगी, आपके बालों में कोई भी टेंगल नहीं होंगी और जो भी आपके बाल झाड़ू जैसे लगते हैं वो सिल्की स्मूथ साइनी होंगे। प्लस आपके बालों की ग्रोथ होंगी, स्कैल्प हेल्थी होंगी, स्कैल्प में जो आपके फॉलिकल डेड हो गए हैं वो एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के हैक में हम यूज करने वाले हैं शुगर। शुगर हमारे बालों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे हम अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए अपने फेस पे स्क्रब का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी फेस की डेड स्किन रिमूव होकर हमारे चेहरे की रंगत निखरे, हमारी स्किन टोन फेयर हो, हमारे चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी ग्लो लेकर आए, वैसे ही हमारे बालों पे स्क्रब करना बहुत ही ज़रूरी है। चीनी जो होती है हमारी स्कैल्प को क्लीन करने के साथ ही आपके स्कैल्प को हेल्दी रखेगी, ये आपके बालों में स्क्रब के रूप में काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके बालों को मजबूत करती है, आपके बालों को मुलायम बनाती है, इसलिए चीनी हमारे बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बिना किसी आउट के आप इसे यूज करके एक बार जरूर देखें। तो इस हैक के लिए पहली चीज़ हमारी यहाँ पे है चीनी, फिर आपको यहाँ पर लेना है शैम्पू। जो भी आप अपने बालों के लिए यूज करती हैं आपको यहाँ पे वही शैम्पू लेनी है, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है आपको वही यूज करना है, लेकिन मैं अपने बालों के लिए यही शैम्पू यूज करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपको यही शैम्पू शो कर रही हूँ। तो आपको अपने बालों के हिसाब से यहाँ पर शैम्पू की क्वान्टिटी लेनी है। तो आपको एक कटोरी लेना है, इसमें आपको एक चम्मच शुगर लेना है, 1 स्पून आपको चीनी लेनी है, फिर इसमें आपको अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू डाल देना है, अपने बालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले। फिर इसमें आपको डालना है कोकोनट ऑयल और इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलानी है। तो अच्छे से यहाँ पे इसे सभी चीज़ों को आपको मिलानी है जब तक यहाँ पे चीनी जो है मेल्ट ना हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल की जगह पे ओलिव ऑयल भी ले सकती हैं, यानी जैतून का तेल भी यूज कर सकती हैं इस हैक के लिए। और इस हैक से आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी तो होंगे ही, दो मुई बालों की समस्या दूर होंगी, प्लस आपके हेयर फॉल को भी रोकेंगी। और आपके मन में डाउट होगा कि हेयर फॉल को कैसे रोकेगी, तो मैं आपको बता दूं जब इसका आप अपने बालों पे यूज करेंगे तो इससे आपके डेड सेल्स जो हैं रिमूव हो जाएंगे और हेयर फॉलिकल जो आपके डैमेज हो गए हैं एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पोर्स जो है ओपन हो जाएंगे और नए बाल बहुत ही फास्ट उगने स्टार्ट होंगे, आपके बाल मजबूत होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फ्लॉपी क्रीम बनकर रेडी हो चुका है। बस आपको इसमें 1 कप पानी डालना है और इसी शैम्पू से आपको अपने बालों को धोना है। आप यहाँ पर पानी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं, बस आपको अपने बालों पे इसका ही यूज करना है। जब भी आपको बाल धोना है आप देखेंगे बालों में एक बहुत अच्छी चमक आएगी, आपके बालों में ग्लास साइन आएगी, बस आपको इसी शैम्पू से अपने बालों को धोना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बाल धोने के टाइम में उनके बाल बहुत ही क्वान्टिटी में निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए जिनको भी हेयरफॉल होती है बाल धोने के टाइम पर, तो आप एक बार करके जरूर देखें, आपको इससे राहत मिलेगी, आपके बाल नहीं टूटेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने बालों पर डायरेक्ट शैम्पू का अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, इससे आपके हेयर रूट वीक हो जाते हैं और बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही आपको अच्छे से सही तरीका पता होना है कि बालों को कैसे धोना है। सबसे पहले आपको बालों को कॉम करनी होती है, आपको 1 घंटे पहले अपने बालों पे कोई भी लाइट ऑयल को अपने बालों पे लगाना है 1 घंटे के लिए नहीं, तो आप कम से कम 30 मिनट के लिए अपने बालों पे कोई भी ऑयलिंग करें अपने बालों पे। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी अपने बालों पे लगा सकते हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट ऑयल है, बस आपको अपने बालों पे 1/2 घंटे या 1 घंटे के लिए अपने बालों पे लगाना है। उससे पहले आपको कॉम करनी है, उसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से गीला करना, आपको ड्राई हेयर पे शैम्पू का अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले बालों को गीला करना है, फिर धीरे धीरे जो हमने शैम्पू बनाया है आपको उसी से अपने बालों को धोना है और हल्के हाथों से आपको स्कैल्प में आपको रब करना है, जिससे कि जो भी आपके हेयर फॉलिकल डैमेज हो गए एक्टिव हो जाए और जो आपके डेड सेल्स है रिमूव हो जाए और बाल जो है आपके क्लीन हो जाए। इस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ बूस्ट होंगी, बालों में एक साइन आएंगे, बाल भी मजबूत होंगे, बाल बहुत ही स्ट्रेट हो जाएंगे। तो एक बार आप करके ज़रूर देखें।
दूसरी बात, आपको अगर हेयर फॉल को रोकनी है तो गर्मियों के टाइम पे आपको 1 वीक में 3 टाइम अपने बालों को धोना है, जिससे कि आपके बालों में कोई भी डस्ट या धूल मिट्टी या गंदगी ना रहे, ना ही बालों में आपके चिपचिपापन हो, स्टिकी हो। इसलिए अगर आप चाहती हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ानी तो आपको कम से कम 1 वीक में 3 टाइम अपने बालों पर शैम्पू करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही करना है। और अपने बालों पर ऑयलिंग करने के बाद आपको अपने बालों पर शैम्पू करना है। इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आपके बाल बहुत ही फास्ट लंबे होंगे, बालों में जो भी समस्या है हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो ये थी टिप आपके बालों की झड़ने की समस्या को रोकने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।